रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार घर में बना है, वो भी बहुत कम समय में झटपट बनकर तैयार होता है। कम सामान में कम खर्चे में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार घर में एकदम इजीली बनाएंगे और टेस्ट बाहर से भी दुगना। जो भी खाएगा ना, आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल नहीं जाएगा और रेसिपी जरूर पूछिएगा। देखते हैं आज का मजेदार रेसिपी। पनीर लबाबदार बनाने के लिए 500 ग्राम पनीर लेना है और क्यूब क्यूब में काट लें। काटने के बाद अगर फ्रिज का पनीर है तो वो काफ़ी थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसको गुनगुना पानी डालें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, उसको छान लेना है। छान कर उसको रख दें। एक फ्राई पैन लें, जो तेल आपको पसंद है वो 2-3 चम्मच तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा डालें। जीरा जब चटकने लगे तो उसमें 5-6 कली लहसुन, 1 इंच अदरक, कश्मीरी लाल मिर्च 5 और दालचीनी, तेजपत्ता डालें और उसमें 20-25 काजू डाल दें। सबको डालकर अच्छे से हल्का सा चलाएं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद 3 प्याज को रफली काट लें और उसको भी डाल दें। डालने के बाद लो मीडियम रखें गैस और उसको थोड़ी देर भूनें। 5 मैं ग्रीन इलायची, छोटी वाली इलायची डाल रही हूँ। 4-5 मैं हरी मिर्च डाली हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च डालें। सबको डालकर अच्छे से भून लें। थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें मैं 3 टमाटर कटा हुआ डाल रही हूँ, उसको भी डालकर आप अच्छे से इसको 5 मिनट तक भूनें। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें आप 1 चम्मच, और यहाँ पे आपको धनिए का जो डंडा होता है ना, उसको लेना है, उसको अच्छे से धोना है, काट कर उसमें डाल देना है। 1 चम्मच आप कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल दें और फिर उसको थोड़ी देर भूनें। अच्छे से भुनने के बाद उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दें। पानी डालकर उसको लो मीडियम पे उसको 10 मिनट तक पकाएं। जब ये पक जाए तो इसको आप ठंडा होने दें। एक फ्राई पैन लें, 1-2 चम्मच उसमें तेल डालें और कटा हुआ जो पनीर था उसको उसमें डाल दें, और डालने के बाद उसको अच्छे से भूनें। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, ताकि इससे इसका टेक्सचर भी, कलर भी सब अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छा आपका पनीर लबाबदार दिखने में लगेगा। हमें आज रेस्टोरेंट जैसा ही बनाना है। देखिए, ग्रेवी जो हम भून के रखे थे वो ठंडा हो गया है, तो दालचीनी का टुकड़ा उसमें से निकाल लीजिए, तेज़पत्ता बाहर निकाल लीजिए, बाकी मिक्सी में डालकर उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। एक फ्राई पैन लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा जीरा रखिए, थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, और 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट अभी नहीं डालना है। उसमें फाइन चॉप 1 प्याज डालें, 1 प्याज का फाइन चॉप मैं काट ली हूँ, उसको डालकर अच्छे से भूंजिए 1-2 मिनट। हल्का सा प्याज जब भुनना हो जाए तब उसमें आप पेस्ट को डालेंगे अदरक और जिंजर का, क्योंकि पहले आप तेल में डाल देंगे ना तो जिंजर और अदरक का पेस्ट जल जाता है, तो फिर आपका स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए प्याज जब हल्का सा भून जाए ना, कच्चापन उसका निकल जाए, तब आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें, 1 बड़ा टमाटर का फाइन चॉप उसमें डाल दें। सबको अच्छे से 5-6 मिनट भूनें, क्योंकि लहसुन अदरक प्याज सब भुना हो जाएगा तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है और 1 चम्मच आप धनिया पाउडर डालें। डालकर अच्छे से लो मीडियम पे ही भूनें, मसाला जलना नहीं चाहिए। थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालकर अच्छे से भूनें मसाला को। पनीर लबाबदार बनाने के लिए ये तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसी से ये ग्रेवी बहुत ही अच्छा रिच बनता है, और रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से लोग बनाते हैं। इसमें स्वादानुसार आप नमक डाल दें। 2 मैं कैप्सिकम ली हूँ। कैप्सिकम को आप एकदम फाइन कर लें और उसमें डाल दें। डालकर अच्छे से उसको भी पका लें।
अच्छे से देखिए कितना अच्छा कलर आया है। जितना अच्छा कलर आएगा आपका पनीर लबाबदार देखने में उतना ही सुंदर लगेगा। जब अच्छे से ये सब भून जाए ना तो उसी में छान कर सारा ग्रेवी को डाल लेना है। थोड़ा सा जार को धोकर पानी भी उसमें डाल लेना है और अच्छे से उसको 5-6 मिनट पकाना है। जब वो अच्छे से पक जाए तो उसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दें। कस्तूरी मेथी को मैं रोस्ट कर ली हूँ, उसको हाथ से रगड़ के डाल दें और सबको डालकर अच्छे से उबाल लें। गैस को कम करें क्योंकि ये काफ़ी बाहर मतलब कि छीटा मारता है तो हाथ जलने का डर होता है, तो इसका ध्यान रखें। शुगर आप एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे, मेरा शुगर एकदम कम मीठा वाला है इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। आधा 1/4 आप डालें, और क्योंकि शुगर डालना बहुत ही ज़रूरी है, सारे मसाले को वो बैलेंस करता है। और डालकर अच्छे से पकाएं। इसका ग्रेवी एकदम लटपट होना चाहिए, लटपट हो गया है आप देख लेंगे कितना थिकनेस आपको रखना है, उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे। सब जब रेडी हो जाएगा तब उसमें पनीर डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, बटर आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, और उसको डालकर अच्छे से उबाल लें। अच्छे से उबल गया है तो आप इसमें 3 चम्मच मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। इस स्टेज में आपको क्रीम डालना है जब ये पूरा एकदम रेडी हो जाए मसाला पक के। सारा नमक उमक सब आप टेस्ट कर लेंगे, सब बैलेंस कर लेंगे कि सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, तब आप इसमें क्रीम डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छे से क्रीम डालकर, और धीमे धीमे आँच में इसको पकने दें। और थोड़ा सा मैं पनीर को ना ऐसे ही रख दी थी बिना फ्राई किए हुए, उसको आप ग्रेट करके ज़रूर डालें क्योंकि इससे ना पनीर लबाबदार का ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है। और रेस्टोरेंट में भी यही सब करते हैं, कोई चीज़ अलग से नहीं होता है, और आपका घर में रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनेगा एकदम फ्रेश, और अपने हाथों से बनाने से बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ती डालें, उससे गार्निश करें। ये बनकर आपका तैयार हो गया है। अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं, एक प्लेट में डालें, और सबसे पहले आपको पनीर जो कच्चा मैं रखी थी उससे ग्रेट करना है, उसको ऊपर से डालें, क्रीम डालें, और बटर में मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालकर एक लिक्विड बनाई हूँ उसको डालें। देखिए आ गया ना लुक एकदम रेस्टोरेंट जैसा, तो रेस्टोरेंट में भी यही करते हैं। अब इसे आप नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ, जैसे खाना है आप खा सकते हैं और एकदम रेस्टोरेंट जैसा इंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाजरा के रोटी के साथ बनाई हूँ क्योंकि थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वजह से बाजरा के रोटी के साथ भी गरम गरम ये सब्जी पनीर लबाबदार बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।